धर्मशाला के सिविल अस्पताल भवारना के शौचालय की फ्लश टंकी में एक नवजात बच्चे का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि भवारना के सिविल अस्पताल में मीटिंग हॉल में 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। सफाई कर्मियों को बदबू का एहसास होने पर हाल में बने शौचालय की सीट के साथ लंबी टंकी के ढक्कन को खोलकर देखा तो उसमें मृत नवजात बच्ची को पाया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामले की पुष्टि करते एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी जाँच जारी है। इसमें पुलिस थाना भवारना के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल में जो उसका टॉयलेट है तो वहाँ पे एक नवजात बच्चे का शव जो है वो बरामद हुआ है, जिस पे पुलिस थाना भवारना में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि कौन इसमें जो था इन्वॉल्व था और अननोन व्यक्तियों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।